नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ का जो है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों, पूरा फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाने वाले। सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जो कि जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। जहां पर देख सकते हैं जो टोटल पोस्ट है अलग अलग है, हेड कांस्टेबल आर ओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर, आर एम यानी कि रेडियो मैकेनिक, अलग अलग पोस्ट है। जिसमें टोटल अगर बात करें तो रेडियो ऑपरेटर में 139 यानी 139 पोस्ट है और रेडियो मैकेनिक में टोटल जो है 19 पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। एग्जाम डेट भी जो है जारी कर दी गई, यानी कि 4 जून इसका पेपर होगा और इसके एडमिट कार्ड भी जो इससे पहले पहले जो है आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। एलिजिबिलिटी जो है 10+2 है, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांगा है, 60% होना चाहिए या तो आपके पास क्लास 10th, साथ ही साथ जो है आईटीआई में रेडियो वगैरह होना चाहिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल दी हुई है, एज ऑन जो लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट उसके अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पे जो फिजिकल एलिजिबिलिटी वगैरह दी हुई है। साथ ही साथ बता दें दोस्तों आपको कि जो इसमें जो आपको अप्लाई करने का लिंक वगैरह है ये सब आपको मिल जाएगा सरकारीRESULT.COM और RozgarResult.COM पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं अप्लाई पे। जैसे आप बढ़ेंगे यहां पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने इससे पहले कोई भी बीएसएफ का फॉर्म भर रखा है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। नया रजिस्ट्रेशन में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना रहता है। उसके बाद आपको एड्रेस डालना रहता है, एड्रेस के बाद आपको अदर डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन है, ये सब चीजें जो है भरनी रहती है। लेकिन अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ये सारी चीजों से आप बच जाएंगे। आपको सीधा कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको विधिवत जाना है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें तो उसकी वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको जो है मिल जाएगा कि आप ये सब का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जो है यहां पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए जो लॉगिन आईडी रहती है वो आपकी ईमेल आईडी रहती है और साथ ही साथ जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड रहता है। इन केस अगर आपने फॉर्म भरा है और आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहां पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। यहां की इस लिंक पे क्लिक करके आप जो अपने जो पासवर्ड है उसको जो है रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए मेरा हम लॉगिन करते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का एक जो है पॉपअप आ जाएगा, आपको उसको बंद करना है। बंद करने के बाद यहाँ पे आपके द्वारा जो भी फॉर्म भरे गए फॉर्म की डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे यानी आवेदन करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई न्यू एडवर्टीजमेंट। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी करंट रिक्रूटमेंट होगी, जैसे इस समय चल रही है रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, तो उसका लिंक आ गया। यहाँ पे अप्लाई हियर का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपसे पूछा है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप जो है दोनों पोस्ट के लिए करना चाहते हैं, केवल रेडियो मैकेनिक के लिए करना चाहते हैं, रेडियो ऑपरेटर के लिए करना है, तो सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी है। आपको जिस पे भी अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेडियो ऑपरेटर क्लिक कर दिया है। यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा मिनिमम क्वालिफिकेशन कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 है, तो यहाँ पे अगर आपको यस कर देना है। अगर आपका जो आईटीआई है तो उसको जो है आपको यस कर देना है। यहाँ पे पूछा आपका आईटीआई सर्टिफिकेट तो नहीं है, मेरा नहीं है तो मैंने नो कर दिया। आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आपको यस और नो करना है। यहाँ पे पूछा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका 60% होना चाहिए। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स डालने हैं कि टोटल मार्क्स आपका कितना नंबर था 10+2 में, कितना नंबर आपको मिला है। यहाँ पे परसेंटेज जो है आ जाएगा, माफ कीजिएगा मैंने उल्टा डाल दिया। यहाँ पे आपको टोटल स्कोर कार्ड मार्क्स डालना है और यहाँ पे कितने में से मिला है आपको वो डालना है। जैसे आप डालेंगे परसेंटेज जो है आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी बेसिक डिटेल्स, एड्रेस वगैरह आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपकी जो है रजिस्ट्रेशन से आ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको ये डिटेल्स डालनी पड़ेगी। सबको डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम अगले स्टेप पे आगे बढ़ेंगे, पूछा है कि आपके पास एनसीसी तो नहीं है, कि आपका स्पोर्ट्स का कुछ तो नहीं है, आपकी हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, आपको कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं। अगर कुछ है ऐसा तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। सीधा जो है सेव एंड नेक्स्ट करके अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे जो आपने पहले से ऐड कर रखी है वो यहाँ पे ऐड रहेगा, जो नहीं है वहाँ पे आप जो ऐड का ऑप्शन भी है। जैसे आपको इंटर ऐड करना है तो इंटर का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। आपने जो है इंटर जो है कब पास आउट किया है, पासिंग का जो है आपको ईयर डालना पड़ेगा, किस स्टेट से पास किया है वो डालना है। हालांकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में भी जानकारी आपकी आ जाती है। जिसमें जानकारी आपकी नहीं आ रही है वो आप जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने ऐड किया यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं वर्क एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पे। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको यस करना है, नहीं है तो सिंपली आपको जो नो करके आगे बढ़ जाना है। जैसे हम आगे बढ़े बता दें, इसमें यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है, साथ ही साथ आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके साथ ही साथ आपको बता दूं यहाँ पे आपको क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सारी चीजें आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सीधा आपको नीचे आना है। बता दें साथ ही साथ जो भी आपका फोटो और सिग्नेचर है वो 30 से 100 केबी के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, क्वालिफाइंग जो खास सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है वो 30 से 100 केबी के बीच होना चाहिए, फाइल साइज आप जेपीजी
PNG PDF लगा सकते हैं। अगर आपको साइजिंग में दिक्कत आती है तो आप हमारी वेबसाइट खोलना है आपको, जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट 2। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जिसकी मदद से आप अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। आप जो है टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत ही अत्याधुनिक तरीके के लेसन इसमें लगातार अपडेट होते रहते हैं। बिगेनर से लेके जो है आपका जो है जो एक्सपर्ट है उनके लिए अलग अलग लेसन है। यहाँ पे आप रिज्यूम और CV भी बना सकते हैं, शादी का बायोडाटा बना सकते हैं, किसी भी JPG फाइल से PDF कर सकते हैं। और आपको मल्टीपल JPG फाइल है तो उसको सिंगल PDF भी बना सकते हो। तो बहुत ही कमाल की टूल्स है, आप उसको आज ही जो अपने बुकमार्क में सेव कीजिए, जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट टूल्स। आगे वापस चलते हैं अपने फॉर्म पर। सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है और सेव एंड करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पोस्ट का आ रहा है कि आपको जो है दोबारा पूछ रहा है कि अप्लाई करना है आपको दोनों पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे जो है आपको कर देना है और सीधा जो है नेक्स्ट करना है। जैसे आप जो है आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फाइनल में सिलेक्ट करके आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू खुल जाएगा। आपको उसको अच्छी तरीके से चेक करते हुए नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्लेस डालना है कि आपका प्लेस कहाँ है, जहाँ से फॉर्म भरे वो डाल देना है। यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपको जो सेंटर है वो कहाँ चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेंटर देख लेता हूँ, नियरेस्ट सेंटर जो भी है वो सेंटर आप जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर की संख्या जो है यूपी में नोएडा दी हुई है, तो मैं यहाँ पे नोएडा ले लेता हूँ। फीस आ रही है इसमें 100 रुपये का फॉर्म है और 47 रुपये 20 पैसा GST जो है आ रही है। तो यहाँ पे टिक करते हैं और पे नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बता दें इसका पेमेंट आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम वॉलेट से कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसका ये फॉर्म आपका डन हो जाएगा। दोबारा आपको लॉगिन करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो भी आपको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पेमेंट इसका कर दिया है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में यहाँ पे देख सकते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका जैसे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे आप प्रिंट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।